जैसा आपने बताया कि बुद्धि का समझना या ना समझना ये जिसे मालूम पड़ता है वह साक्षी ही शुद्धमय है, है पर जब इस विचार को हम करते हैं तो लगता है ये भी तो मन की एक वृत्ति हुई इस तरह से जो हम सोच रहे हैं। तो ये जानना साक्षी का कैसे हुआ बुद्धि के ज़रिए हम बाहर सब कुछ जानते हैं बुद्धि क्या करती है विचार जब कुछ संकल्प बनता है तो उसी को हम मन कहते हैं जब वो ही निश्चय कर ले तो समझो हम उसी को बुद्धि कह देते हैं फंक्शन थोड़ा अलग अलग है मन का काम है संकल्प और विकल्प तो बहुत सी ऑप्शंस मन दे देता है निर्णय जो है वो बुद्धि करती है अब जब आप ये बात सुनते हैं मुझसे कि मैं साक्षी हूं तो बुद्धि का जानना न जानना ये भी मेरे जानने में है तो आप ये कह रहे हो क्या ये भी बुद्धि में ही विचार नहीं बन रहा है बिल्कुल बन रहा है ये बुद्धि में ही बन रहा है पर ऐसे समझो बुद्धि दो तरह की है एक हम कहेंगे दुर्बुद्धि एक हम कहेंगे सद्बुद्धि जो आपके पास संसार में रहने के कारण बनी है दुर्बुद्धि विषय वासना भोग विलास पैसा इकट्ठा करो चीजें इकट्ठी करो लोग इकट्ठे करो अपने आसपास ताकत रखो और अपने मजहबी जुनूनों में जियो मजहबी जुनून समझते हो हर मजहब वाला कहता है मेरा मजहब दूसरों से श्रेष्ठ है और मेरे मजहब के लोगों को जीना चाहिए बाकी तो मरी जाए नहीं मरोगे तो हम मार देंगे तो मजहबी जुनूनों में या संसार की विषय वासना हुआ है उसको हम कहेंगे यह दुर्बुद्धि वाला मनुष्य सद्बुद्धि क्या है जहां सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है जहां विवेक का प्राप्ति का अभ्यास का ऐसा अभ्यास करना जिससे तुम्हारी बुद्धि का शुद्धिकरण हो सके ऐसे समझो आप अगर चाहें तो किसी आम, जमीन में या किसी भी सरफेस में कहो ईंटों की दीवार में सीमेंट की दीवार में आप अपनी शक्ल देखना चाहो तो आप देख नहीं सकेंगे क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा सही लेकिन इसी जमीन के अंदर से निकलती सिलिका और उसी सिलिका का जब हम शुद्धिकरण करते हैं प्रोसेस से तो उसी से बनता है शीशा सिलिका कहां से आया मिट्टी से धरती से आया है धरती में आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा मिट्टी में प्रतिबिंब नहीं बनेगा ईंट में प्रतिबिंब नहीं बनेगा सीमेंट में प्रतिबिंब नहीं बनेगा किस में बनेगा शीशे में बनेगा तो मिट्टी और शीशे में क्या फर्क मिट्टी के एक विशेष हिस्से को हम सिलिका कहते हैं और सिलिका की शुद्धि करते करते उसको हम इतना प्योरीफाई कर देते हैं कि उसमें रिफ्लेक्शन संभव है उसमें प्रतिबिंब बनता है सारे शीशे उसी से बनते हैं तो एक ही चीज़ है क्या मिट्टी सिलिका और शीशा या अलग बिल्कुल अलग है तो ऐसे समझ लो मिट्टी हुई दुर्बुद्धि और जो गुरु देता है बुद्धि का मंजन कर करके कर करके कर करके कर -कर गुरु क्या देता है सदबुद्धि जैसे मिट्टी में रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा पर शीशे में बनेगा ऐसे ही दुर्बुद्धि में साक्षी का विचार कहां से आएगा तुम्हारी क्या उम्र है हुँ? हैं दूसरी बार पूछ लिया तो अब याद आ गए वो जवाब तो ये देना है कि पहले तो बोला मैं ट्वेंटी और जैसे हमने कहा है तो कहता है शरीर की उम्र ट्वेंटी सिक्स चालू अब शरीर की आयु अगर छब्बीस है तो मुझे ये बताओ छब्बीस hmm, से थोड़ा पीछे रिवर्स गेयर मार लो लाइक like, पंद्रह साल की उम्र से लेके और चौबीस साल की उम्र तलक तुम्हारा दिमाग और मन क्या सोचता था अब फिर खुले में बोल ही दो चालू हो जाओ हम गिन रहे हैं बोलो जिंदगी में कुछ हासिल करना और पैरों पे खड़े होना बाकी सिर पे खड़े होते हैं हम्म और मतलब तू ये कह रहा है कि तू इतनी बातें बोलेगा अच्छी अच्छी हो मैं मान लूंगी और पंद्रह से लेके चौबीस तक तुमने कुछ और चीज मन में सोची विचारी नहीं है हाँ बोलो 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 अच्छा घर बार हो लग्जूरियस लाइफ हो मतलब अब ना वो सब इच्छा बोलने में भी शर्म आ रही है समझ नहीं आ रही है हाँ तो समझ के बोल ले क्या दिक्कत है मुझे कहीं नहीं जाना मैं यही हूं मेरे पास बहुत टाइम बोलो जो इसके पीछे बैठा है और जो इसके आगे बैठा है और जो उसकी साइड में बैठा है तुम तो लोग भी बोलो क्योंकि तुम कोई उससे अलग नहीं हो उसी एज ग्रुप में हो अच्छा खाओ घूम लो ये असली बात तो अब बोला है गर्ल फ्रेंड हो यहाँ रह के तो तेरे को मिलनी नहीं उसके लिए तो तू मुंबई वापस जा है ना भले पकड़े गए अब तो क्योंकि वो नहीं बोला गर्ल फ्रेंड हो तू बोल रहा है गर्लफ्रेंड हो तो यहाँ रह के काम यहाँ तो बुढ़िया मिलेंगी <laughs> ए? ता आपकी उस एज में तुम ए बी सी डी कोई भी हो मेल हो फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इच्छाएं सबकी एक सी होती घूमना फिरना खाना पीना महंगा सामान महंगे फोन महंगी गाड़ियां महंगी घड़ियां बहुत सी गर्लफ्रेंड्स और एक फिर बहुत ठाट बाट वाली शादी और फिर दुनिया विदेश विदेश घूमना आम, बहुत से आम, दारू भी नशे भी शराबे भी इसके बगैर तो आजकल के नौजवान चलते नहीं है नशे भी आम, बहुत सारा शारीरिक सुख भी भोग का सुख भी ऐसी तो सब इच्छा रखने वाला जो बुद्धि है क्या वो ज्ञान आत्मा साक्षी ब्रह्म समझ सकता है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मन में ऐसी स्पेस ही नहीं है ऐसी जगह ही नहीं है क्योंकि मन में तो वही संसारी भरा हुआ तो इस दुर्बुद्धि का कहो परिवर्तन कैसे हुआ जब सत्संग में आए जब सुनने लगे जब समझने लगे तो फिर धीरे 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 करके हम ये कह सकते हैं कि एक नवीन बुद्धि का जन्म हुआ आपके अंदर अभी हो रहा अब ये जो सद्बुद्धि का जन्म हो रहा है इसी सद्बुद्धि में ज्ञान का विचार आत्मा का विचार ब्रह्म का विचार ध्यान का योग का समाधि का संयम का एक अच्छा जीवन जीने का एक उन्नत चेतना वाला व्यक्ति बनने का ये सारे विचारों का जन्म जिस गर्भ में होगा उस गर्भ को हम सद्बुद्धि कहते हैं ये सद्बुद्धि दुनिया और दुनियादारों के बीच में रह के तो नहीं हो सकती है तो उसके लिए किसी महात्मा का संग करना आवश्यक होता है महात्मा का संग करने की इच्छा भी कौन करेगा जिस एज ग्रुप की हम अभी बात कर रहे हैं मैंने बारह से लेकर के तीस तक भी अगर हम ले लें तो इस एज ग्रुप में तो फिर टारगेट तो कुछ और होते हैं ना टारगेट सत्संग तो होता ही नहीं है है ना तो दुर्बुद्धि से ये बात समझ नहीं लगेगी ये बात सद्बुद्धि से समझ लगेगी और सद्बुद्धि जागृत करने के लिए महात्मा की संगति चाहिए जब मैं महात्मा कहती हूँ तो वो महात्मा कौन है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी गद्दी में बैठा हुआ किसी परंपरा का हेड उनके मतलब फैमिली की गद्दी चल रही है उस फैमिली गद्दी में बैठा हुआ वो सब आपकी मदद नहीं कर पाएंगे माने जो स्वयं अभी जागृत नहीं हुआ है वो तुम्हें जागृत होने का पाठ कैसे पढ़ाएगा जिसकी अपनी अभी सोच कि भगवान वहां कहीं सचखंड में रहते हैं या वहां दूर किसी शिवलोक में किसी गोलोक में किसी बैकुंठ में रहते हैं और हम मरने के बाद उनके पास जाएंगे जिसकी अपनी ऐसी धारणा है वो सर्वम खलविदम ब्रह्म कैसे समझाएगा ब्रह्म से ब्रह्म सुनिए एक एक वखानिए आत्म पसारा करण हरा प्रभ बिना नहीं जानी है। ऐसी बात क्या वो कह सकेगा वो खुद ही नहीं जानता वो तुम्हें क्या बताएगा जो नाम जप करता है और नामजप करवाता है वो भी ये काम नहीं कर पाएगा नाम जप कराने वाले बड़े बहुत लोग हैं जो नाम देते हैं नाम जपो नाम जपो नाम जपो ऐसा जोर लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है पर सिर्फ नाम जप की बात करने वाला आपको वेदांत का श्रवण कैसे कराएगा इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जो शास्त्र का ज्ञान भी रखता है और जिसके पास आ, साक्षात अनुभूति भी है और ये कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं होता है आ, हमारे ही जैसा साधारण स्त्री या पुरुष हो सकता है पर जिसको किसी गुरु की किसी महात्मा की संगति मिल गई और फिर उनकी संगति करते करते श्रवण करते करते मनन करते करते श्रद्धा प्रेम संयम में रहते, रहते 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 और फिर भीतर ये बात स्पष्ट हो गई कि आत्मा क्या है साक्षी क्या है अनात्मा क्या है सो so, ये जो सद्बुद्धि है इस सद्बुद्धि में विचार संभव है और यही सद्बुद्धि आपको इस योग्य बनाती है कि आप अपने आप को इसी बुद्धि में प्रतिबिंबित विचार के माध्यम से स्वयं के बोध के प्रति अग्रसर हो सको जैसे क्या तुमने अपना चेहरा कभी देखा है बताओ हम्म हैं ये वाला चेहरा देखा है कहा देखा है शीशे में शीशे के बगैर अपना चेहरा देखेगा क्या अपना ही चेहरा देखने के लिए शीशा या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए होगा राइट तो आप उसमें तो कभी समझे नहीं करते कि लो चेहरा मेरा है देखने को शीशा चाहिए हम नहीं शीशे का इस्तेमाल करें कि करते हो इस्तेमाल ऐसे ही मुझे मेरे होने का पता लेने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है पर मैं कौन हूं ये जानने के लिए सद्बुद्धि की जरूरत है समझ रहे हो मैं हूं ये तुम कैसे जानते हो अभी मैं हूं ये आप तब जानते हो जब मन कुछ सोच रहा हो बुद्धि कुछ विचार कर रही हो इंद्रियों से बाहर संसार देख रहे हो तो तुम्हें लगता है अच्छा मैं जाग रहा हूं मैं हूं मैं आपको एक सिचुएशन देती हूं आप अपने बिस्तरे में पड़े हैं आंखें बंद है लाइट बंद है कुछ देख नहीं रहे कुछ सुन नहीं रहे आप हो या नहीं हो हो इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, पर आप हो फिर मन सोचते सोचते चुप हो गया मन कुछ भी ना सोचे तो तुम हो या नहीं हो मन कुछ नहीं सोच रहा है यह भी तो तुम ही जान रहे हो ना कोई चीज हमसे सुनी वो समझ नहीं आई तुम्हारी बुद्धि उस पर विचार कर रही कर रही कर रही कर रही कर रही hmm. फिर बुद्धि थक गई फिर विचार करना बंद कर दिया तो तुम हो या नहीं हो नींद आ गई मन गहरी नींद में चला गया तुम हो या नहीं हो और नींद थोड़ी हल्की हो गई और सपने आ गए तुम हो या नहीं हो सपना आया है ये तुम जानते हो गहरी नींद हुई तुम जानते हो गहरी नींद खुल गई तुम जानते हो नींद अच्छी नहीं आई ये भी तुम जानते हो राइट शरीर अच्छा है ये तुम जानते हो नींद में शरीर का कुछ पता ही नहीं चलता ये भी तुम जानते हो अच्छा मैं फिर से पूछती हूँ नींद आ गई है ये अगर तुम जान रहे हो तो फिर तुम सोए ही नहीं क्योंकि तुम तो जान रहे हो तो नींद आई है या हल्की आई है या बहुत गहरी नींद आई है ये कौन जानता है अभी आंख खुली है तुम बाहर देख रहे हो तुम जानते हो आंख बंद कर लोगे तो कौन जानेगा तुम्हारा मामा कि तुम ही जानोगे अच्छा बंद आंखों में आप कल्पना से कुछ देखने लग जाओ तो ये कौन जानता है और ध्रुव लाइट बंद करके एकदम सोए जैसा पड़ा है दूसरा देख के कह रहा है तो सो गया पर ध्रुव अभी अंदर सोया नहीं है ध्रुव जाग रहा है ये कौन जानता है बाहर खड़ा आदमी तुम्हें देख के कह सकता है ये सोया है या नहीं सोया हाँ मुंह खुला हो खराटे चल रहा ऑफ ऑफकोर्स कहेगा सो गया और क्या कभी ऐसा नहीं होता कि मुंह भी नहीं खुला खराटे भी नहीं चल रहे और आदमी जागा भी हुआ है देखने वाला कहता है ये सो रहा है तो नींद आई ये किसने जाना और जिसने नींद के आने को जाना क्या वो सो गया कि वो जागता रहा नींद आई थी फिर टूट गई थी नींद ये किसने जाना जानने वाला वही होना चाहिए ना मौजूद जो उस घटना को देख रहा है अगर घटना को देखने वाला वहां ना हो तो घटना जानेगा कैसे तो इसका मतलब नींद जब आई या ना आई या जब सपना आया या टूट गया या बहुत गहरी नींद आ गई या कच्ची नींद आई ये सब बोध जिसको हुआ वही तो तुम हो पर जब गहरी नींद आई हुई होगी उस समय पर क्या मन बुद्धि काम करते हैं तो बोलने के लिए मन बुद्धि तो चाहिए ना मन बुद्धि वहां है नहीं इसलिए जब नींद होती है तब तो बोलना नहीं होता सुनना नहीं होता देखना नहीं होता चखना नहीं होता चलना भी नहीं होता पर तुम होते हो या नहीं क्या अनुभव तुम्हारा पता नहीं होता ये किसको पता होता पर जब नींद थी और कुछ पता नहीं था इस न पते का पता किसको था अब अगर सदबुद्धि नहीं बनी है तो ये बात भी समझ नहीं लगेगी जो मैं कह रही हूँ अगर अभी दुर्बुद्धि फंक्शन कर तो तुमको क्या कह रहा है समझ नहीं लग रही ये बात समझ लग रही है ये किसको समझ लग रही है तुम्हारे पड़ोसी को पीछे जयदेव को पता चल रहा है कि ध्रुव को ये बात समझ लगी नहीं लगी कि तुम्हें लग रही है खुद के होने का खुद को ही पता होगा कि किसी और को पता होगा तो मुझे मेरे होने का पता है बिना किसी साधन के बुद्धि चल रही नहीं चल रही उसको मेरी जरूरत है पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है मुझे आवश्यकताओं में बुद्धि इस्तेमाल करूं ना हो तो ना करूं मन इंद्रियां शरीर का उपयोग करूं ना चाहूं ना करूं सुषुप्ति में सब पीछे छोड़ देता है यह कहो सब छूट जाता है सुषुप्ति में सब छूट जाता है समाधि में साधक छोड़ देता है तो जहां बुद्धि नहीं मन नहीं वहां भी तुम्हारा अस्तित्व है कैसा है साक्षी स्वरूप है पर फिर वही बात ध्रुव को अगर अपना चेहरा देखना तो शीशा चाहिए पर अगर अपना चेहरा नहीं देखना तो शीशा चाहिए जेब में लेके घूमते हो क्या देखो अपनी जेब में है शीशा जितनी बैठी ना लेडीज इनके पर्स में हमेशा होता कंगी और शीशा स्त्रियों के पास दोनों होंगे पुरुषों के पास कंगी होगी गंजा हो जाए तो भी होगी एक्स बालों की याद में कंगी रखी रहती है कभी तो थे ना स्वयं का शकल देखना हो तो शीशा चाहिए पर अगर न देखनी हो तो हमें मालूम है कि हमारी शकल कैसी है मुझे वो याद आती है एक बच्ची एक लड़की छोटी पाँच छ साल की डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठी थी अपनी माँ के साथ गई थी और वेटिंग रूम में पहले से कुछ और मरीज भी थे एक वहां महिला भी थी महिला ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और उसने उस बच्ची को बुलाया बेबी आप कैसे हो बेबी कहती मैं तो ठीक हूँ तू भूतनी लग रही है उसका मेकअप खराब हो गया होगा स्कूटर में बैठ के आई होगी बाल खराब हो गए होंगे तो बच्चों के तो कोई जुबान पे लगाम नहीं होती बोले मैं तो ठीक हूँ तू भूतनी लग रही है अब उसको तो मालूम नहीं कि वो कैसी लग रही है चेहरा उसका है पर उसी को नहीं मालूम कि कैसा लग रहा है राइट right? पर शीशा देखेगी तो मालूम हो जाएगा कि कैसा लग रहा है पर शीशा देखे न देखे जब ये पता हो कि हमारा चेहरा कैसा है तो मालूम है वो मालूम होना बना रहता है वो खत्म नहीं हो जाता है इसी तरह से जो मेरा अपना आप है सो सचिद आनंद है पर बुद्धि के शीशे में कौन सी बुद्धि सदबुद्धि सद के शीशे में इसको जाना इसको समझा जाता है पर जैसे ज्ञानी है ज्ञानी समझ गया तो कहते हैं फिर क्या ज्ञानी रोज सुबह बैठ के ध्यान करता है मैं सचिद आनंद हूँ क्योंकि तो उसको कोई संशय नहीं है इसलिए उसे बार बार सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ वह अपने स्वरूप की मस्ती में जीता है और बुद्धि से कोई सोच विचार भी, भी नहीं ये विचार भी, भी नहीं करता है कि मैं सच्चिदानंद हूँ भूल जाए संशय हो जाए भ्रम हो जाए तो सोचना पड़ेगा अब जब सोचना है तो फिर बुद्धि कौन सी चाहिए फिर सद्बुद्धि चाहिए और सद्बुद्धि एक ही दिन में नहीं बन जाती निष्काम कर्म करने से मल दोष दूर होता है पाप बुद्धि दूर होती है भक्ति करने से उपासना करने से मन की चंचलता दूर होती है तो ये सद्बुद्धि बनने की प्रोसेस है और फिर इस सद्बुद्धि के साथ बहुत गहरी श्रद्धा के साथ जब गुरु का वचन सुनता है कौन सा वचन वेदांत का वचन सुनता है तो फिर धीरे धीरे ये सब स्पष्ट होने लग जाता बुद्धि जाने न जाने जैसे मेरा होना मैं जानता हूं पर मेरे होने के बारे में अगर कुछ बोलना होगा तो बुद्धि भी चाहिए जुबान भी चाहिए है ना और भाषा का ज्ञान भी चाहिए फिर तीनों चीजें चाहिए अच्छा जिसकी जुबान ना हो क्या वो नहीं जानता है कि मैं हूं गूंगा है बोल नहीं सकता है तो क्या वो नहीं जानता है कि वो है या नहीं है जिसके नेत्र ना हो वो देख नहीं सकता है क्या वो भीतर से जानता है मैं हूं या नहीं हूं या कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूं या नहीं हूं बहरा हो कोई सुन न सकता हो क्या वो नहीं जानता है कि वो है और तो और ऑटिस्टिक बच्चे मेंटली चैलेंज्ड बच्चे क्या वो जानते हैं कि वो है या नहीं है क्या उनको अपने होने का पता है या नहीं है उनको भी है पर अगर किसी का मेंटली चैलेंज्ड कोई बच्चा है तो किस स्टेज का है किस बीमारी की वजह से है तो शायद वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए शायद लेकिन कभी कभी ये मेंटली चैलेंज बच्चे भी बहुत अच्छे से वो क्या महसूस करते हैं वो किसी तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं मुझे याद है एक बार मैं लुधियाना में थी तो वहाँ ये स्पेशल जो बच्चे हैं डेफ एंड डम बच्चों के स्कूल में मैं गई वो उनका स्कूल हॉस्टल वहीं रहते थे नॉर्थ इंडिया के बच्चे थे ज़्यादा हिमाचल हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के बच्चे थे वहाँ पर उन्होंने एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सोच के दिमाग हिल गया था कि वहां एक लड़के ने डांस किया म्यूजिक चला गाना चला हिंदी सिनेमा का उसने क्या खूबसूरत डांस किया और बाद में मुझे बताया गया ये तो सुन नहीं सकता है मैंने कहा सुन नहीं सकता है, पर उसने बीट एक मिस नहीं करी ऐसे कैसे तो कहते इसका जो इंस्ट्रक्टर है वो ये स्टेप करना है ये स्टेप करना है ये स्टेप करना है रुकना है तो ये साइन उसका नीचे से जो इंस्ट्रक्टर है वो ये साइन इस साइन का मतलब है कि जिस पोज में हो बस उसी को होल्ड करके रखो और उसने सिखा रखा है कि मुस्कुराना है या उदास होना है या आकाश को देखना है कि बाएं देखना है कि दाएं देखना है कि नीचे देखना है वो प्रैक्टिस करा करा के वो नीचे से ही इशारे कर रहा अब हम लोग नहीं देख पाए उस इंस्ट्रक्टर को हम तो उसका डांस देख रहे हैं I was like baffled that this boy can't even hear. And he did a fabulous dance without missing a beat. So, how much hard work the instructor did, that was amazing. And, and he was doing like one, two, three, four, one, two, three, four, and the action one, two, three, four action. If it is going to be, you know, like in continuity, then he would say, Do this, keep on doing, keep on doing. आखिर में जब पूरा ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो आ, कुछ बच्चे मेरे पास आए तो वो मुझे एक ये साइन था कि हम आपको प्यार करते उनकी आंखें बता रही बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते अब लगभग साढ़े छ महीने मौन हम भी रहे हैं इसलिए कुछ इशारों का हमें भी ज्ञान था तो हमने भी इशारों में जवाब दे दिया उन्होंने बोला वी लव यू तो हमने भी जवाब दे दिया इशारों में आर्टिस्टिक बच्चों के साथ मैंने समय बिताया कुकिंग करते सिलाई करते कैसे सिखाया टीचर्स ने बहुत कमाल गेम्स एक्सरसाइजिस कराते कराते उनको कुकिंग और सिलाई और मोमबत्ती बनाना तलक सुपरवाइजर है वो साथ में बताता है वो कर रहे हैं बच्चे सब कुछ कर रहे हैं इसका मतलब मैं हूँ के लिए इंद्रियां चले न चले फर्क नहीं पड़ेगा मन चले नहीं चले फर्क नहीं पड़ेगा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा इसकी समस्या हो सकती है निश्चित होगी परंतु हमें हमारे होने का पता हमी से है किसी और की वजह से नहीं है। तो शरीर ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया बुद्धि चित्त और अहंकार ये सब मेरे ही टूल्स हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूं मेरे होने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है इसीलिए तो मैं चेतन स्वरूप चेतन माने जो स्वयं के होने को जाने और अपने से भिन्न दूसरे को भी जाने और जिसको जानने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है उसी को तो चेतन कहते हैं। मैं आत्म स्वरूप चेतन हूं तो बुद्धि की मन की वृत्तियों की जरूरत नहीं है परंतु जब समझना है तब तो सद्बुद्धि चाहिए ना अल्पबुद्धि नहीं समझ पाएगा कुबुद्धि नहीं समझ पाएगा दुर्बुद्धि बिल्कुल नहीं समझ पाएगा कौन समझेगा जिसके पास सद बुद्धि है वही समझ पाएगा इसको तो निश्चित रूप से सदबुद्धि में यह विचार यह वृत्ति पहले पहले बनाई जाएगी पर यह ऐसे ही है जैसे इस समय अपनी शकल देखने के लिए तुम्हें शीशे की जरूरत है पर एक दफे देख ली सुबह कि हमारी शक्ल कैसी है देखो ना उसका ख्याल दिन भर ही बना रहता है कि हम सुंदर हैं पर कहीं शीशा मिल जाए तो दोबारा भी देख लेते कैसे भाई सब ठीक ठाक है बाल ठीक है पर ऐसा है तो नहीं ना कि शीशा ना हो तो पता ही ना चलेगा तो स्मृति हमारी बनी रहती है इसी तरह इस सदबुद्धि में जब बहुत क्लैरिटी से बहुत स्पष्टता से जिसको हमने विचार चंद्रोदय में क्या कहा था दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जब ये दृढ़ हो जाता है जब ये पक्का हो जाता है तो फिर बार बार वृत्ति बनाने की भी कोई जरूरत नहीं इसीलिए अष्टावक्र गीता में वो पूछते हैं जनक कि ज्ञानी क्या करता है तो कहते हैं अष्टवक्र जी कहते हैं ज्ञानी को नींद लगती है सो जाता है भूख लगती है खा लेता है प्यास लगती है पी लेता है चलने जैसा लगे चल लेता है और सोने जैसा लगे तो सो जाता है बस ये करता है अब जो भी कर्तव्य है अब अष्टावक्र कृषि पुत्र हैं तो उनका काम था पढ़ाना ज्ञानी होने के बाद भी पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं वेद पाठ करा रहे हैं जनक ज्ञानी हो गए उनकी ड्यूटी क्या है राजा होना तो वो राजा होने का कर्म कर रहे हैं। उसके काम करने में कोई दिक्कत नहीं है हाँ जब ज्ञानी को अपने स्वरूप का रसा स्वाद लेना हो मन विशेष अनुभूति लेनी हो तो वो अंतर्मुखों के सदबुद्धि के साथ सदविवेक के साथ वो समाधिष्ट होकर के विशेष अनुभव लेना चाहे तो ले सकता है पर अगर वो ना भी ले तो उसको कोई आवश्यकता नहीं ज्ञानी हम उसी को कहते हैं आत्मज्ञानी हम उसी को कहते हैं जिसके लिए जागृत स्वप्न और सुषुप्ति और समाधि चार अवस्था एक समान हो जाती है जो चलूं तो करूं परिक्रमा भावना रखूं दूजा जो लेटू तो करूं दंडवत कबीर का वचन लेटता हूं तो जैसे भगवान को दंडवत है बैठता हूं तो पूजा है बोलता हूं तो वेद वचन है आंख बंद कर लू तो समाधि है आंख खोल लू बोले तो भी समाधि तो साधु सहज समाधि भली आंख न मूंदूं कान न रूंधूं तनिक कष्ट न धारू कोई कष्ट नहीं अब लेता हूं पर स्थिति ज्ञानी की है जो अभी नया नया इस रस्ते पे चला है उसको तो बहुत कुछ करने की जरूरत है उसके लिए तो फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज का है ना शब्द अरे मन ऐसो कर संन्यासा बन से सदन सब कर समझो मन ही महे उदासा फिर मन के अंदर ही वो वैराग्य कैसे बना के रखना है इसका यत्न करो नेम के नखन बढ़ाओ सील संतोख सदा निर्बह वो हुए वो त्रै गुण अतीत तीन गुणों से अतीत होने का उपक्रम करो प्रयास करो बहुत कुछ करने को कह रहे हैं पर ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं पर जब तक ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है तब तक तो फिर क्या करना है बड़ा काम क्या करना है सद्बुद्धि बनानी है कैसे बनेगी सत्संगत से यम नियम आसन प्राणायाम से एकदम संयमबद्ध जीवन जीने से मन को राग द्वेष से मुक्त रखने से मन को विषय वासना कामना से मुक्त रखने से मन में अपार नम्रता और प्रेम को जन्म देने से गुरु की सेवा से गुरु के दर्शन से गुरु के सत्संग से ज्ञान चिंतन से वेदांत वचन का श्रवण करने से वेदांत वचन की योग्यता बनती उसकी है जिसके अंदर षट संपत्ति और मोमोक्षता होती है जिसके अंदर ये चीजें नहीं होती है तो वो तो छेदों वाले बर्तन में दूध डालने वाली बात हो जाएगी जितना दूध डालोगे सब बह जाएगा तो अगर समदम श्रद्धा तितिक्षा नहीं है आप में तो जितना मर्जी ज्ञान सुन लो सब बह जाता है कोई किसी काम नहीं आता है सिर्फ बल्कि ज्ञान का अभिमान हो जाता है कि हम तो बड़ा सत्संग सुने हम तो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान आभास नहीं ज्ञान का निश्चय होना चाहिए और ज्ञान का निश्चय किसको होगा जिसके चित्त में वैराग्य है समता है इंद्रिय का दम है श्रद्धा है तितिक्षा है समाधि का समाधान है जिसके पास तो ये सब साधन दुर्बुद्धि हटाने और सद्बुद्धि को लाने के हैं और सद्बुद्धि में वेदांत की ज्ञान की वृत्ति बनेगी और ये ज्ञान की वृत्ति उस शीशे का काम करेगी जिसमें अपना निज स्वरूप जान करके देख करके मन अपार संतोष को अनुभव करता है समझ लेंगे किसे